तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट पार्ट में हम इनके नेम्स पता किए थे, इस वाली पार्ट में हम पता करने वाले हैं इनके मूव्स। तो अगर आप लास्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लेना, अगर आप ये ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करना चाहते हो तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। Friends, I am your Ram as G Lucky. Today I am going to teach you how to play chess. तो चलो वीडियो में चलते। वीडियो में चलने से पहले आपका सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ये 7 डेज के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। चलो वीडियो में चलते। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे इनके नाम, तो इस वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं इनके मूव्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द पॉन से। ये है द पॉन, यह एक स्टेप चले गए, जैसे कि स्टेप वो स्टार्टिंग इधर रहता है ना, जब दो स्टेप चलता है ये। एंड अगर अब दो स्टेप चला दिए और उसके बाद से ओनली वन स्टेप, एक ही स्टेप चल रहा है उसके बाद। एंड सेम लाइन भी। एंड तो अब पता करते हैं द रुक, इसके मूव्स, द रुक के मूव्स पता करते हैं। ये ओनली स्ट्रेट चलता है, कितनी दूर भी जाता है स्ट्रेट, ऐसे चला तो नेक्स्ट ऐसे जाएगा, कितने स्ट्रेट ही चलता है, नॉट क्रॉस में नहीं चलता है। द रुक ओनली स्ट्रेट चलता है। नेक्स्ट ये है द नाइट, नाइट का मूव पता करते हैं। ये जैसे कि चलो थ्री स्टेप्स एल शेप में चलता है, जैसे कि क्रॉस में, अगर ये व्हाइट में है जैसे कि देख सकते हो व्हाइट में है, व्हाइट है तो व्हाइट में चल दी गए सब बोलकर माना भी। एंड इसका मैं बताना भूल गया, अगर ये यहाँ है फोर बॉक्स से मेन बोला था ना, स्टार्टिंग स्टेप कभी भी ये चलाना, गारंटी से ये चलाना, क्योंकि ये मेन है। जैसे बताया था ना, इस पे से आपका फोकस हटा तो गेम गए। आप ये चलाए तो अगर अपोजिट प्लेयर अच्छा, एक अच्छा प्लेयर है, स्टैंडर्ड लेवल का प्लेयर है, तो 100% ये चलाएगा वो, जैसे देख सकते हो 100% ये चलाएगा। एंड तो आप सपोर्ट मेनली ये लाना, उसका सपोर्ट ये लाना। एंड गारंटी, अगर वो एक स्टैंडर्ड लेवल के गारंटी से प्लेयर है तो ये करेगा, जैसे कि देख सकते हो ये है, बोला था ना फोर बॉक्सेस मेन है बोलकर, उसे चलाएगा। तो ये पूरा हम थर्ड या फोर्थ पार्ट में बात करेंगे उसके बारे में। एंड अब पता करते हैं द किंग, ये है द किंग, इसके मूव। तो द किंग ओनली वन स्टेप चलता है जिधर भी चलो। अगर किंग के सामने ऑपोजिट में एग्जांपल किंग है ऐसा, इसे आप देख सकते हो, किंग ऐसा नहीं कर सकता, किंग अगर ऐसा है तो। एंड किंग टू किंग डायरेक्ट नहीं मार सकता, किसी और से मारना पड़ेगा, एग्जांपल क्वीन टू किंग वैसा मारना होगा। किंग टू किंग डायरेक्टली आप नहीं मार सकते हो, किंग टू किंग। एंड पता करते हैं मेनली सबसे पावरफुल है क्वीन, द क्वीन सबसे पावरफुल है पूरे चेस में, जैसे करते
और सभी के मूव्स बता दिया था ना, एंड किस में पावरफुल है स्पेशल एबिलिटीज बताऊंगा। एंड ये वाले वीडियो के लिए भी सकता है फोर्थ या थर्ड या फोर्थ पार्ट में आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट, जैसे कि देख सकते हो ये लोग देख सकते हैं ये फाइव, थर्ड या फोर्थ पार्ट में भी बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। बोलने से पहले अपना सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि ये 7 डेज के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल वाइट बॉक्सेस और ग्रीन बॉक्सेस होते हैं, 64 होते हैं। और सही पोजीशन पता करने के लिए पहले ये जानना होगा कि वाइट साइड पर्सन के राइट साइड आएगा और सेम टू अपोजिट पर्सन, अपोजिट पर्सन को भी सेम आएगा। तो चलो अब पता करते हैं इनके नाम। तो स्टार्ट करते हैं द पॉन से, यह द पॉन